उसी को तुमने मैला कर दिया। इसी हवा में है प्रदूषण, पर्यावरण का हो रहा आतिशबाजी से बच के रहना। बच के रहना रे बाबा, बच के रहना रे, बच के रहना रे बाबा, बच के रहना रे। आइए अब हम आपको कुछ दोस्तों से मिलवाते हैं कि वो दिवाली कैसे मनाते हैं। और मित्र कैसे हो? बस बढ़िया, दिवाली आ रही है, कहो क्या तैयारी है? बस 30-40 हजार के पटाखे लाया हूँ। चलो साथ मिलकर पटाखे जलाए और धूम मचाए। क्या तुम्हें पता है धूम मचाने और पटाखे बनाने का पीछे का राज? नहीं नहीं हमें नहीं पता, नहीं नहीं हमें नहीं पता। आज की ज्यादा खबर हम आपको सुनाएंगे, पटाखे बनाने वाले मजदूर बच्चों का हाल हम आपको बताएंगे। लाखों गरीब बच्चों को इन कारखानों में धकेल दिया जाता है, जहाँ उनके मनमाना श्रम कराया जाता है और तो और उनका शोषण किया जाता है। क्या आपके हाथ कटे हैं? नहीं। क्या आपके हाथों में जलन होती है? नहीं। क्या आपको सांस लेने में तकलीफ होती है? नहीं। क्या आपका चेहरा जला है? नहीं। लेकिन हर मजदूर बच्चा जो इन कारखाने में काम करता है हर रोज इतनी सारी चीजें जूझता है, इसी कारण आज हजारों पटाखे फूट रहे हैं। देखिए, सोचिए, इनकी मदद पर गौर करिए। हजारों लाखों बच्चे जाते हैं धक्के ले पटाखे और बम के गोले। इस पटाखों की आवाज आपकी खुशी का राज है। कुछ घंटों की आतिशबाजी प्रदूषण की मार 50-100% है बढ़ाती, पर हर बच्चा जो इन कारखानों में काम करता है वो हर रोज इन्हीं सारी चीजों से जूझता है। दिवाली में अपना घर तो साफ कर लेते हैं, लेकिन घर में गंदगी कर देते हैं। दिवाली प्रतीक है अंधकार से उजाले की ओर जाने का, अज्ञानता रूपी अंधकार को मिटा देने का। तो आइए हम सब मिलकर एक ऐसा दिया जलाएं जो हमारे जीवन की सोच को रोशन कर दे। आई दिवाली दीप जलाओ, दूर करो अंधेरा। वृक्षारोपण कर हरियाली बढ़ाए, धन्यवाद। शुभ एवं सुरक्षित दीपावली।